दिखा दिखा। एरियल में इसके अलावा और कोई अच्छी चीज है ही नहीं। हाँ। आप कितना साफ लग रहा है भाई, ये तो था ही नहीं इसका घर। मतलब एक ना एक कॉकरोच भटकता फिरता था यहाँ पर, यहाँ से साइड से निकलता था। 50-50 के कैरमेन भाई साहब सब। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So ये vlog की शुरुआत हो रही है हमारी मम्मी के साथ, जो कि अपना बाल धो रही है। नहाएगी तो नहीं बट पक्का बाल धोएगी मेरी मम्मी। आए मम्मी, मैंने नहा लिया था सुबह, अभी सिर में इसलिए धो रही हूँ, मैं बाल स्ट्रेट करने जा रही हूँ। ओ माई गॉड, बेचारी मेरी मम्मी अकेले भी है ना, तो ये सब दिमाग चलता है कि स्ट्रेट सुंदर बनना है बेसिकली मेरी मम्मी को। और नहाने से याद आया, चोट वगैरह जो है ना मेरी, आप ये देखो हील हो रहा है धीरे धीरे, दिख रहा होगा कि नहीं। ये देखो पिछले वाले व्लॉग में दैट की बेचारा आकाश, क्योंकि मैंने चोट वोट वगैरह दिखाई थी कि मेरे को ये वाले एक्ट में बहुत ज्यादा चोट लग रही है। बट लोग इतने प्यारे हैं ना मेरे, जितने भी ऑडियंस है, क्योंकि अगर आप नहीं तो फिर ऐसा होता कि नहीं यार आकाश के पीछे बहुत सारे लोग खड़े। खुद को बोलता हूँ कि दैट आकाश टेंशन मत ले, तेरे पास पीछे जितने भी लोग है वो संभालने के लिए है ही, बाकी तो मेरी मम्मी भाई स्ट्रेट करा रही है बाल। क्या बात है, तो ब्लॉग में जैसे भी ले लेता है, मुझे लेटी भी रहती हूँ तो उसमें भी बाल मम्मी के इतने ज्यादा गंदे लगते हैं। एक मैंने ब्लॉग में देखा, मेरा बाल ऐसा था। बाकी तो अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ फिर दिन उसके बाद निकलता हूँ। कल व्लॉग नहीं डाला बिकॉज बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, मैंने रेस्ट लिया। मैं सो कर दूंगा जो मेरा व्लॉग नहीं आ रहा ना, मैं डेली व्लॉग करता हूँ, एक एक दिन जो व्लॉग छूट रहे ना इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मेरा आधा जिंदगी बर्बाद कर रखा है दैट व्लॉग व्लॉग, क्योंकि इन्होंने 100 करोड़ डाले शो में, तो वो बोलते कि रिवील तू मत कर, हमें करने दे क्योंकि हमने पैसे डाले। बात भी इनकी सही है कि अगर इनकी जगह पे होता तो मैं भी यही चीज करता, बट ऐसा मत करो ना यार। Stop shooting that. Why? You are not putting no, that. No, I will put. I will put. You but don't have my permission to put my face. No. I will sue you. No. So she is saying that don't put. तो वही है कि अभी दो दिन बाकी है सिर्फ शो का, मतलब ना ऐसा टेलीकास्ट होने के लिए। दो दिन बाद इन्होंने बोला कि तू हग मुंह जो करना है जो डालना है डाल, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि बस गाइज दो दिन रुक जाओ, उसके बाद डेली व्लॉग फिर कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू मैम। गाइज मीट हीना दीदी, इन्होंने मतलब लाइक जितने भी मेरे चोट वगैरह है ना यही ध्यान रख रही है, क्योंकि घर जाके मुझे पता मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं ना सो जाता हूँ डायरेक्ट, तो यहीं से दवाई ववाई लगा के, तो ये मेरे यहाँ पर हाथ पे ये लगा रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। मतलब इन्होंने भी मेरे को बचपन से देखा, काफ़ी लोग है इधर, इन्होंने तो मेरे को कब से देखा है दी, सुपर डांसर टू से, जब से मैं इंडस्ट्री में घुसा ही था तब से ही देखा है। एंड हाउ यू फील लाइक आकाश अभी इस स्टेज पर है, मतलब मैं चाहता नहीं आप, हाँ मैं चाहता नहीं कि जबरदस्ती तारीफ करो, बट नहीं मैंने आपको ऐसा बताया ना। नहीं, ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर जर्नी। मैं उस दिन तुमसे भी कह रही थी जब अक्षय सर की ऐड देखी मैंने आपके साथ में, तो ऑफ कोर्स यार हम लोग के लिए सबसे बड़ी प्राइड की मोमेंट है कि तुम इतने से थे पिद्दी से 2017 में, और अभी हम लोग 2023 एंड में है ऑलमोस्ट, इट्स बीन मोर देन 7 years? और ये ना पता है जर्नी ना अपने लोगों से पूछने में मजा आता है, क्योंकि जिन्होंने बचपन से देखा ना उनका मैं ऐसा वे ऑफ थिंकिंग सोचना चाहता हूँ कि लाइक कैसा फील होता होगा। बट नहीं, हम खुश है क्योंकि तुम अभी भी उतने ही हम्बल और हमारे साथ वैसे ही प्यारे से हो जैसे तुम, सिर्फ तुम्हारी हाइट का तो बहुत बढ़ गया, लंबे हो गए हो। वो बात अलग है, मैं आपके बराबर आ गया। हाँ, वो दिखा करके दिखा, भेजू तेरी मम्मी को, मेरे हाथ में भी तो है वेप पीता ये लड़का, वेप दिखा। गलत चीजें करता है गाइस, ये रिहर्सल है, रिहर्सल के अलावा सब चीज करेगा, ये कॉफी पिएगा, नाश्ता खाएगा टाइम पे, चाटा मारूंगा, शर्म भी नहीं आ रही है। हमारा ये जो शो है झलक है 3 महीने के लिए कंटिन्यू है, तो मिस्टी ने मेरे को प्रॉमिस किया कि दैट ये मुझे अंग्रेजी सिखाएंगी, तो 3 महीने के लिए सिर्फ जस्ट टॉक टू मी डेली इन इंग्लिश ओनली, ओके, एंड ईच एंड एवरी वन, आप भी मुझे इंग्लिश में बात, चार नंबर में आना है, ही वॉन्ट ऑलवेज रिहर्सल। या भैया, दादा भैया, आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करना, फॉर टुमारो टॉक टू मी इन इंग्लिश, ओके। अरे यार, ओ माय गॉड, तुम ही हो हेमा मालिनी है? अरे आपको तो ब्लॉग में दिखा दिया है मैंने। हाँ तो इतनी की शर्मा, देख देख कितनी सुंदर तरीके से बात कर रही है, देख देख देख, ऑफ कैमरा नहीं देखते आप इन्हें, सीधा गाली देके बुलाती है। मम्मी पापा ने इतना अच्छा नाम रख रखा है आकाश, वो नाम तो निकलता ही नहीं इनका। ए चन्ना इधर है, ऐसे करके वो बोलो ना, तुझे देख के बाहर निकलता है, कितनी सुंदर बनने की कोशिश कर रही हो, कितनी सुंदर। गेट लॉस्ट, ये है इनका, ये तो चलो इंग्लिश में बोल दे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये हिंदी में बोलती है। सो अभी नाश्ता टाइम है, तो यहाँ पर आ रखा हूँ मैं, भैया जो है बहुत ही क्रेजी बटर और टोस्ट, ब्रेड बटर जो है वो टोस्ट करके मस्त बनाते, शाहरुख खान आमिर खान ये यहाँ के खाते भाई, बहुत हंस दिए भाई, वो बहुत परेशान कर रखा है क्योंकि सब आके यहाँ पर एक एक लेते, मैं चार चार ले लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? नहीं सर।
नहीं हाँ अभी बोलते तो भी बनाना पड़ता भैया, आपको ऐसा मत बोलो। गाइस हार्दिक भाई भी आ चुके हैं, ये नहीं आए मेरे पास, सॉरी मैं आया इनके पास, बिकॉज इनको ना मतलब इन्होंने इतनी इंटेंस तरीके से बोला कि ब्रो मेरे को ना थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने ना क्या हो गया, तो बोलते कि यार थोड़ा इंटेंस सीन है, तो मैं डर गया। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कुछ अटकाऊँ हाँ, तो मैं डर गया। मैंने बोला भाई क्या अटके हुए ऐसा, तो मैंने बोला कि मैं चलो मैं आ जाता हूँ। फिर बाद में नीचे आके बोलते कि यार अरे बहुत भयंकर वाला गेम चल रहा था, टूर्नामेंट था, इसकी वजह से लेट हो गया। मैंने बोला भाई साहब शर्म भी नहीं आ रही और हंस रहे बता रहे मुझे। मेरे बोला चलो कोई नहीं, बाकी तो अभी क्या है, मूवी देखने का प्लान है, मार्वल्स की मूवी है। कोई तो थिएटर में आ गए, पता है कौन सा वाला थिएटर है, हम जैसे ही इनऑर्बिट में जाते हैं वहाँ बोलते हैं भैया पॉपकॉर्न देना, यहाँ तो भैया पॉपकॉर्न देना। ये वो वाला है, बहुत पुराने जाने जहाँ पर अभी भी DDLG लगती हो, ऐसा वाला लग रहा है। म्यूजियम थिएटर नहीं है, म्यूजियम है। पॉपकॉर्न ये देखो, ये मजा आता है। 50-50 के कैरमल भाई साहब, सॉल्टेड वाले सब चीज़ पॉपकॉर्न 50 के भाई स्टेशन में नहीं मिलते ऐसे भाई। ये बजट के लिए बढ़िया है, कहाँ हम 2-2 हज़ार रुपये पॉपकॉर्न के पे ही खर्च होते थे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पर 100 रुपये में दोनों मिल रहे हैं भाई। बढ़िया है ये, 180 में ये पूरा आ गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक के साथ पॉपकॉर्न। आए कितने क्यूट पॉपकॉर्न है भाई। अरे वाह जी वाह, देख रहे हो कितना हाइजीनिक है। मैं तो मेरे घुटने ऊपर आ गए, छाती में घुटने ऊपर आ गए। गाइस ये वो वाला थिएटर है कि मैं एक बार चिल्लाऊंगा तो सब चिल्लाएंगे। क्या बात है, चिल्ला रहे वो देखो। तो बॉयज एंड गर्ल्स अभी मैं आ रखा हूँ योगेश के घर पे, हार्दिक भाई और मैं, एंड भाई साहब बोल रहा है कि भाई तू अब घर देख मेरा, क्योंकि इसके मम्मी पापा आए थे कुछ दिन पहले तो वो चले गए, बट घर जो है इतना साफ करके अलमारी का वो सब यहाँ पे मस्त लेटने के लिए आदमी ऊपर लेट सकता है इस पे यूं। पापा लेटते होंगे तेरे? हाँ नहीं कभी कभी बैठ जाते हैं इस पे। ठीक है मैं तो नहीं बैठता, चलो अभी बैठ जाता हूँ। हे नाइस जोक, मैं ये बोला था किचन दिखा ना, किचन सबसे गंदा रहता था इसका। ओ माय गॉड, एक भी कॉकरोच नहीं दिख रहा भाई तेरा, देख सब फ्रिज। गिफ्ट की धर लिया है, मेरी गिफ्ट की, मम्मी ने मिर्च भर दी इसमें। नाइस भाई देख ले कितना साफ लग रहा है भाई, ये तो था ही नहीं इसका घर, मतलब एक ना एक कॉकरोच भटकता फिरता था यहाँ पर, यहाँ से साइड से निकलता था ऐसे, बट नाइस आंटी थैंक यू सो मच, आपके बेटे को आपने थोड़ा सा ऐसा रास्ता दिखाया, गुड। लाइटें वाइटें लग रखी है भाई, मतलब दिवाली भी नज़दीक है, तो फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ मैं, एंड जाते अभी सो जाऊँगा बिकॉज कल है मेरा टेक्निकल एंड उसके पहले मेरा रिहर्सल है 4 बजे, बट थैंक गॉड कॉल टाइम जो है लेट का है, क्योंकि अभी योगेश के घर से आते ही मेरे को कि तो 2 बज चुके हैं। सो अभी सोऊंगा फिर देना आराम से, 12-1 बजे उठूंगा फिर जाऊंगा रिहर्सल पे 4 बजे, वरना तो सुबह सुबह तो आपको पता ही आपका आकाश उठता है नहीं। आज टेक्निकल है भाई साहब, बट उससे पहले हम 1 घंटा रिहर्सल करने वाले, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हो गए थे कल, फिर डायरेक्ट टेक्निकल। क्या है ये दही लग गई। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, चोट लग गई। ये देखो मक्खी खा रही है, तो हटाओ ना उसे, खाने दे रहे हो। ये जो चोट जिससे लगी है ना आपको, उसके ऊपर एक बैंड पहना जाता है। He is the professional, that's why ये बोल रहे हैं। ये लाओ दो यार। कितनी बार दूँ, हर शो में डांस दीवाने में योगेश और मेरी लगती थी, तो ये हमेशा हमें गिफ्ट किया था इन्होंने एक। नहीं बेसिकली एरियल में इसके अलावा और कोई अच्छी चीज है ही नहीं। हाँ। आप भी पहनो अपने पार्टनर। मैं तो गर्म पट्टी पहनता हूँ। कोई भी पहनो, ये पहनो और डांस दीवाने में भी दिया है, पूछो। वाओ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नहीं पहनना भाई, खुद का भी देखो हालत क्या किया, उसका हालत देखो। मैंने किया वो, आपका खुद का तो खुद किया है, तो मैंने कौन सा जबरदस्ती करा है? और हमें भी एरियल दिया गया, हमने मांगा नहीं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बट अभी तो पहन लो। हाँ, मैं पहन रहा हूँ, पहन के कर रहा हूँ, बट बिना मतलब आप पता भी नहीं चलेगा कि आपको लगा है, अगर ये पहन लोगे तो। नहीं है तो मेरे से याद रखता हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक्निकल हो गया है कंप्लीट, बाइक भी ठीक हो गई भाई फाइनली। भाई 8,000 लगे हैं बाइक में कसम से, मैंने मतलब जितनी मतलब 2 महीने के हिसाब से लगते हैं ना, मेरा 1 महीने में ये गाड़ी में चला गया पूरा लेजिट। अभी बोल तो रहे यार भाई कि ठीक हो गया तो चेक करते हैं थोड़ा, होपफुली ठीक हो जाए यार, मतलब अभी बार बार ना हो। उन्होंने बोला है कि दैट अब अगर ये वापस जो प्रॉब्लम है ये वापस हो गई ना, तो फिर वो मेरे को वीडियो बनाने को बोला है, फिर वीडियो में उनको दिखाऊंगा, तो वो बोले थे कि फ्री में हो जाएगा ठीक, थैंक गॉड। क्योंकि अगर ये वापस ठीक हो गए ना, वापस 8,000 लग गए, तो महीने के समझ रहे हो 20-25 हज़ार तो मेरे ऐसे ही ये बाइक में लग गए। दोनों कुत्ते डरे हुए बिकॉज दिवाली आने वाली है, और अभी से ही लोग जो है पटाखे बजा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से बेचारे दोनों छुप रहे हैं। ये दिवाली में लौंडे जब तक डायनामाइट जैसे बड़े बड़े बम फोड़े ना, तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो डॉगी का तो एनिमल का तो सोचते ही नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है बताना कि दैट यार मत करो, क्योंकि हमें तो टाइम मिलेगा नहीं भाई दिवाली विवाली, हम तो करेंगे भी नहीं, और हमें टाइम भी नहीं है कि हम पटाखे फोड़े। दो महीने दो बार बोल चुके, निकला 2 दिन दूर थी से, 2 दिन
भाई कैसा है। ओके तो घर पे आ चुका हूँ मैं एंड ये वाला जो व्लॉग है इतना ही रखते हो। खूब करते हो कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।